क्वेश्चन 31 देखिए, एन अर्न कंटेन्स थ्री रेड टू व्हाइट मार्बल। एक अर्न के पास तीन रेड और दो व्हाइट मार्बल्स हैं। हम यहां लिख देते हैं अर्न कंटेन्स थ्री रेड प्लस टू व्हाइट मार्बल्स, यानी टोटल फाइव मार्बल्स हमारे पास यहां पर है। अब वो कह रहा है टू मार्बल्स आर ड्रॉन वन बाय वन विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम द अर्न। दो मार्बल बॉल्स वहां से हम निकाल रहे हैं, पहली निकाली उसको वापस डाल दिया विद रिप्लेसमेंट, फिर दूसरी निकाली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स। तो नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालिए एंड फाइंड द मीन ऑफ द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स, और हमें उसका मीन भी फिर वहां पर निकालना है। तो हम यहां मान लेते हैं जब बॉल निकल रही है तो वो हो सकता है वो रेड निकले, हो सकता है वो व्हाइट भी निकल जाए। तो हम यहां मान लेते हैं लेट आर डिनोट्स द इवेंट ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। हमने मान लिया कि हमें एक रेड बॉल मिलने का जो इवेंट है वो आर है, एंड डब्ल्यू डिनोट्स द इवेंट ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल। हमें एक व्हाइट बॉल मिले, ये डब्ल्यू है, मैंने डॉट डॉट लिखा, पूरा लिखेंगे इसको सेम सेम। तो यहां पर लेट एक्स डिनोट्स द रेंडम वेरिएबल of number of white balls, clearly value of x can be, x की value क्या क्या हो सकती है, x की value हो सकती है जीरो, हो सकता है एक भी white ball ना मिले, हो सकता है एक मिल जाए या फिर दोनों ही white ball हमें मिल जाए। जब हम दो draw कर रहे हैं, दो बार ball निकाल रहे हैं, तो तीन ही केस हो सकते हैं, हो सकता है एक भी व्हाइट बॉल ना मिले, हो सकता है एक व्हाइट बॉल मिले, या जो दोनों हम निकाल रहे हैं दोनों ही व्हाइट बॉल आ जाएं। तो ये एक्स की वैल्यू हो सकती है, एक्स रैंडम वेरिएबल है नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स के लिए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं पी एक्स इज इक्वल टू जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो व्हाइट बॉल। कोई व्हाइट बॉल हमें ना मिले तो वो क्या हो सकता है, वो होगा हमारे पास, समझे मतलब व्हाइट नहीं मिलेगी तो रेड मिलेगी, पहली भी रेड और दूसरी भी रेड। इसको आप लिख सकते हैं पी आर इंटू पी आर। ओके, ये हमने वैल्यूज अभी नहीं निकाली तो ये भी हम निकाल देते हैं यहां पर। आप समझे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल क्या होगी, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, रेड बॉल कितनी है थ्री, टोटल है फाइव। पीडब्ल्यू कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल दैट इज टू बाई फाइव हमारे पास होगा। तो पी आर इंटू पी आर इज थ्री बाई फाइव इंटू थ्री बाई फाइव दैट इज नाइन बाई ट्वेंटी फाइव। अब हम निकालते हैं पी एक्स इज इक्वल टू वन, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन व्हाइट बॉल, कि हमें एक व्हाइट बॉल मिले। अब एक व्हाइट बॉल ना दो केसेस में मिल सकती है, जैसे हो सकता है कि पहली रेड दूसरी व्हाइट हो या फिर पहली व्हाइट दूसरी रेड। जब हम दो बॉल निकाल रहे हैं तो हो सकता है पहली रेड बॉल निकल आए दूसरी व्हाइट निकले, या फिर पहली व्हाइट निकले दूसरी रेड निकले। यहां पर इसको हम लिख सकते हैं ऐसा पी आर इंटू पी डब्ल्यू प्लस PW into PR। तो यहां पे PR की वैल्यू हमारे पास है 3 बाई फाइव और PW की जो वैल्यू है दैट इज 2 बाई फाइव, प्लस PW की जो वैल्यू है 2 बाई फाइव और PR की जो वैल्यू है दैट इज 3 बाई फाइव। तो एलसीएम तो 25 ही आ गया, दिस इज 6, दिस इज 6, सो 12 बाई 25 हमारे पास यहां पे आ गया है। इसके बाद पी एक्स इज इक्वल टू टू, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू व्हाइट बॉल, दोनों व्हाइट बॉल्स हमें मिले इस बात की प्रोबेबिलिटी।
तो पी एक्स इज इक्वल टू टू हो जाएगा, पहली भी व्हाइट बॉल दूसरी भी व्हाइट बॉल, यानी पी डब्ल्यू इंटू पी डब्ल्यू। पी डब्ल्यू हमारे पास है 2/5 इंटू 2/5, तो ये हो गया 4/25 हमारे पास यहां पे आ गया। हमें लिखना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज हम यहां पे लिख रहे हैं, यहां हम लिख रहे हैं x, यहां लिख रहे हैं पी एक्स। एक्स इज इक्वल टू 0, 1, 2, 0 पर कितनी प्रोबेबिलिटी आई है, दैट इज 9/25, यहां आई है 12/25, यहां आई है 4/25। तो ये तो आ गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जब हमें मीन निकालना हो तो मीन इक्वल होता है समेशन ऑफ पी आई एक्स आई के, जिसको हम म्यू भी कहते हैं आपका। तो समेशन ऑफ पी आई एक्स आई यानी 0 × 9/25 = 0, 1 × 12/25 = 12/25, प्लस 2 × 4/25 = 8/25। तो यहां पे आ गया 20/25। यहां पे आप कैंसिल करेंगे 5 से 4, 5 से 5, यानी जो मीन है हमारे पास वो यहां पर 4/5 आ रहा है। तो पहले तो हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाला, फिर उसके बाद मीन निकालने के लिए हमें समेशन ऑफ पी आई एक्स आई की नीड होती है, क्योंकि समेशन ऑफ पी आई एक्स आई को ही हम मीन कहते हैं, वो हमने यहां पर इजीली फाइंड आउट कर लिया है।